दोस्तों, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए एक नए एप्लीकेशंस को लॉन्च कर दिए हैं। पहले जो एप्लीकेशंस था उसमें काफी सारे दिक्कत आ रहा था, इसकी वजह से भारत सरकार ने एक नए एप्लीकेशंस को लॉन्च किए हैं। अब इस नए एप्लीकेशंस के थ्रू आप सिर्फ आधार ओटीपी या फिर आप अपने फेस को स्कैन करके एक नए आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। तो क्या है इसका पूरा प्रोसेस, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट ही देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नए एप्लीकेशंस के थ्रू आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। जैसे ही आप आयुष्मान ऐप लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने आयुष्मान का दो एप्लीकेशंस नजर आएंगे। तो नीचे वाला जो एप्लीकेशन है वो पुराना वाला एप्लीकेशन है और ऊपर वाला जो है वो नया एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपली नए वाले एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इस तरह ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशंस को अभी तक ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, लोगों को इसके बारे में अभी तक इतना पता नहीं है। और अगर आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा टोटल 3 एप्लीकेशंस को लॉन्च किए गए हैं अब तक। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशंस था वो है आभा एप्लीकेशंस, इसके बाद आयुष्मान भारत एप्लीकेशंस और अभी जो लॉन्च किए हैं वो है आयुष्मान ऐप। तो आपको करना क्या है, सिंपली आयुष्मान ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आप आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, यानी आप आसानी से इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आप लाभार्थी यूटीआई केंद्रों पर भी पीएमजेई के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, यानी पैन कार्ड बनाने वाला यूटीआई ऑफिस में जाके आप अपने आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। और इसके नीचे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, यानी आप इस कार्ड को अगर बनवा लेते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक MI एलिजिबल और इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो RU ऑपरेटर। अगर आप एक ऑपरेटर है तो आप सिंपली ऑपरेटर को सिलेक्ट करके लॉगिन करना है, अदरवाइज MI एलिजिबल को सिलेक्ट रहने देना है और लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बेनिफिशियरी और दूसरा ऑपरेटर। तो अगर आप ऑपरेटर है तो आप सिंपली ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपने एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल पर OTP आ चुके हैं, उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। और OTP फिल करने के बाद सिंपली इस कैप्चा को आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। तो हम इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह प्रोसेसिंग होगा और आप सक्सेसफुली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एप्लीकेशंस पर लॉगिन हो जाओगे। और लॉगिन होने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट अभी तक यहाँ पे बाकी है, सारे स्टेट यहाँ पे नहीं आए हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे आ चुके हैं, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कीम सिलेक्ट करना है, यहाँ से PMJAI को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे आप अपने नाम को सर्च करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Family ID दिए गए हैं, आधार नंबर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, लोकेशन रूरल दिए गए हैं, लोकेशन अर्बन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से Family ID को सिलेक्ट करेंगे। Family ID यानी आपका जो रेशन कार्ड है, उस रेशन कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम Family ID को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद नीचे Family ID एंटर करना है। Family ID यानी आपका जो रेशन कार्ड नंबर है, उस रेशन कार्ड नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो हम रेशन कार्ड नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और Family ID एंटर करने के बाद सिंपली आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस तरह प्रोसेसिंग होगा और थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो Family ID है, उस Family ID में जितने भी मेंबर हैं, जिनका जिनका आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, उनके नाम के आगे इस प्रकार का एक ग्रीन टिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जिनका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनके नाम के आगे इस प्रकार का एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे टिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, यानी आपके नाम के आगे इस प्रकार का ग्रीन टिक लग चुके हैं, तो आप अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे जिसके आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है वो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिनका आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, उसके नाम के आगे सिंपली यहाँ पे अप्रूव्ड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली अप्रूव्ड के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक ऑथेंटिकेशन का पॉपअप शो हो जाएगा।
और यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला आधार ओटीपी, दूसरा फिंगरप्रिंट, तीसरा IRIS स्कैन और चौथा फेस ऑथेंटिकेशन। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम आधार ओटीपी से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं, तो इसके लिए सिंपली आधार ओटीपी को सिलेक्ट करेंगे। आधार ओटीपी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं आपका जो आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके आगे वेरीफाई का एक ऑप्शन से आपको सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का कंसेंट का एक फॉर्म शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक लगा देना है और इसके बाद सिंपली अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुके हैं, इस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। OTP जैसे ही आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आप बात करेंगे जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, इसके बाद स्कीम सिलेक्ट करना है, इसके बाद फैमिली आईडी सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और नीचे आपको फैमिली आईडी फिल कर देना है, ठीक है। और जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनके नाम के आगे इस प्रकार का एक ऑरेंज टिक यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल जाएंगे। और इसके आगे यहाँ पे आइडेंटिफाइड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली आइडेंटिफाइड के ऑप्शन में क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका नाम शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उनका नाम, उनका आधार नंबर, उनका फैमिली आईडी, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आधार OTP को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आधार OTP को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म इस प्रकार से शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगाना है और अलाउ कर देना है। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपका EKYC कम्प्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और इसके बाद कैसे डाउनलोड करना है इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।